राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते टिकट वितरण के लिए काफी जोड़ तोड़ मची है। इसी बीच जयपुर की चौमू विधानसभा सीट को लेकर भी बीजेपी की सियासत में पारा चढ़ा हुआ है। चौमू में शिखा बराला और हनुमान बराला कांग्रेस से तो श्रवण बराला बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा गहलोत कैंप के भगवान सैनी और विष्णु सैनी को भी कांग्रेस से टिकट की चाह है। वहीं सबके बीच रुक्मणी कुमारी भी एक डार्क हॉर्स के तौर पर उभर रही है। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है चौमू विधानसभा सीट का समीकरण। चौमू से कांग्रेस के कई उम्मीदवार मैदान में हैं। बराला परिवार से तीन लोग मैदान में, दो कांग्रेस से और एक बीजेपी से मांग रहे टिकट। शिखा बराला और हनुमान बराला मांग रहे कांग्रेस से टिकट। दोनों में से किसी एक को टिकट के लिए पीसीसी चीफ डोटासरा कर रहे लोबी। लेकिन शिखा का प्रचार सीमित है साड़ियां बांटने तक। वहीं बराला परिवार से श्रवण बराला मांग रहे बीजेपी से टिकट। उधर भगवान सैनी और उनका पुत्र विष्णु सैनी भी मैदान में। भगवान सैनी और विष्णु दोनों माने जाते गहलोत कैंप से। इन सभी के बीच रुक्मणी कुमारी भी उभर रही एक डार्क हॉर्स के तौर पर, एक वीरांगना के तौर पर रुक्मणी के प्रति चौमू वासियों में सहानुभूति। उधर राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चल सुर्खियों में आई थी रुक्मणी। राहुल की यूथ टीम के सदस्यों में शामिल है रुक्मणी। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी है रुक्मणी कुमारी। गत 2-3 सालों से चौमू वासियों के हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में शिरकत कर रही रुक्मणी। बहरहाल कांग्रेस के रामकिशोर व्यास, वर्तमान में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी जैसे दिग्गज भी इस सीट से अपना दाव आजमा चुके हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी कांग्रेस में से ढूंढाड़ अंचल के प्रमुख कस्बे में से एक चौमू से किस पर दाव खेला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।